हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। माशाल्लाह कितना अच्छे से स्वागत कर रहे, देखो भाभी आप लोगों का। और यहाँ पे हमारी है ना सुबह का जो रूटीन होता है वो चालू है, और मेरी बेबी क्या बात है। और आज है संडे, हमारी सुबह जो है वो सबकी तरह हमारी संडे भी थोड़ी सी लेट शुरू हुई है। संडे का ऐसा दिन होता है ना कि इंसान लेट ही उठता है, चाहे कुछ भी हो, है ना। और भाई का वो गए आज वाटर पार्क गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो तुमने कुछ सवाल नहीं उठाया कि अकेला कैसे जा रहे वाटर पार्क? बोली क्या अकेले अकेले जा रहे कि मेरा मन नहीं है, पर वो भी नहीं मैं वहाँ के हाँ। मैं आग भी लगा रही लोग दोनों के बीच में, मैं वहाँ के फुटेज देखूं कि भाई कितना खुश है। आने के बाद तुम्हारा एक्शन क्या आएगा भाभी? क्या करें क्या करें, बहुत कुछ कर सकते। ये एक मुद्दा है, ऐसा कहता भाई वाटर पार्क चलेगा, अभी अभी शादी हुई है, साथ में जाना चाहिए। साथ में नहीं भी जा रहे तो अकेला तो नहीं जाना चाहिए, है ना। उनको जाने का मन नहीं था ना, मेरे भोली भाभी कन्विंस हो गए कि वो फोर्सफुली चले गए। कभी गए वैसे भाई से? रात में। अरे 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 अरे, ऐसा वो कितने बजे उठता है भाभी? जॉब जाने का रहेगा तो 10 बजे उठता। ओ वाटर पार्क जाना था, 8 बजे उठ गए, 2 बजे के पहले निकल गए, टाइम के पहले निकल गए। जाने दो, फोर्सफुल वाटर पार्क का ताला मेरे भाई को ही खोलना है। ए देखो अभी इसको दूध पीना था, अभी नींबू पानी पीना है। ऐसा कैसा, अभी अभी तक घर के कोई भी मेंबर्स आए नहीं है, हमारी दोनों की सुबह हुई है। नहीं नहीं, इमरान भाई है उधर पीछे, इमरान भाई की चाय वगैरह हो चुका है, नाश्ता हो चुका है, और मेरी बेबी उठी है सिर्फ। और अभी हम लोग नाश्ता क्या बनाएंगे हम लोग वो सोच रहे थे। एक्चुअली मम्मी ने ना रात को पूरी भाजी बनाया था, तो हम लोग तो वही खा लिया। अभी घर वाले लोग के लिए देखते क्या नाश्ता बनेगा, और हम लोग का डेली अभी क्या है। तो अभी फिलहाल हम लोग काम करके आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा भाभी और मेरा सुबह का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था, हम लोग ने नाश्ता वाश्ता भी कर लिए है, और किचन आ चुके हैं। तो मम्मी क्या कर रहे अभी तुम? ओके, क्या बन रहा है आज खाने में? बेडरूम में जाती नहीं, आज बेडरूम में जाके बैठी है वो, तो मेरे को ऐसा लगा उसको क्या मन, उसकी माँ की याद आ रही। मैं भी तो माँ जैसी हूँ, खाला हूँ मैं, तो मैं सोची आज उसको अपने हाथ से खाना बना के खिला दूँ, थोड़ा थोड़ा खुश हो जाएंगी। तो वैसे बना क्या रहे तुम? सब उसको अच्छा ही लगता है, मेरे ऐसे कुछ भी बना के दूँ ना सब अच्छा ही लगता। आज मैं जो भी बना दूंगी उसको अपने हाथ से खिला दूंगी तो खुश हो जाएगी इंशाल्लाह। सही में दोनों के तरफ से भी आपस में मेलजोल रहना चाहिए, एक ही तरफ नहीं रहना चाहिए, बहू ऐसी है फिर सास ऐसी है, दोनों तरफ से अच्छे रहेंगे तो दोनों तरफ का अच्छा चलता माशाल्लाह। अब हम बोलेंगे खाली बहू ही करना, बहू ही खिलाना, ऐसा कुछ नहीं, एक दूसरे को खिलाना पकाना, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। आप लोग भी अपनी बहू लोग के साथ भी ऐसे अच्छे से रहो, सामने से अच्छा ही रिजल्ट आएगा आप लोग को भी इंशाल्लाह। तो मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा सासू माँ वाली टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं, किचन टिप्स नहीं दे रहे, अभी थोड़ा रिलेशनशिप वाले टिप्स दे रहे मम्मी। चलो अच्छा माशाल्लाह। चलो क्या चाहिए? नल्ली देखो वो अपने आप से नल्ली लेकर आ गया बेबी, नल्ली दो। यहाँ पे आप बहुत बिजी है, दानियल है ना अच्छा डांटी सुन रहा है, क्योंकि दानियल होमवर्क नहीं कर रहा शायद से। और यहाँ पे आया है हमारा कैरम बोर्ड, जो एक्चुअली थोड़ा सा छोटा था, लेकिन ये लोग ने ना बच्चे के आड़ में अपना भी गेम का वो रखे, बोलते नहीं बड़े थोड़ा बड़ा लेंगे ना तो बड़े लोग भी खेल सकते। बेचारे बच्चे को चाहिए था छोटा कैरम बोर्ड। और वो देखो ये डैड को देखो जरा, कैरम बोर्ड खेलने में इंटरेस्ट है इनका, है ना। सब अपने अपने में है। और रयान को देखो पूरा उसका ध्यान है ना ये तेल पे। वैसे तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है एज अ सास? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, ज्यादा मालूम ही नहीं पड़ रहा हूँ भाई मुझे। अच्छा माशाल्लाह। हाँ कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्लाह का शुक्र है। चलो वैसे हमारी जो भाभी है वो बहुत ही लक्की है, हम लोग भी लक्की है, वो भी लक्की है। वैसे मम्मी ने हम लोग को भी हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाया है, लेकिन एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो होता है ना वो मतलब अच्छा लगता है आज की तारीख में ऐसा
एक सास अपनी बहू के लिए, कितना भी वो खाला भांजी लेकिन एक सास ही होती है और एक बहू ही होती है, लेकिन वो सास बहू का जो लोग ने वो किए अच्छा लग रहा मुझे ये देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह लोग के रिश्ते को नजरें बस से बचा है। मम्मी एकता कपूर के सीरियल को ना बैन करने बोल रहे, मतलब डायरेक्टली ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, देखो हर घर में ना होता है, करो तो अच्छी बात है, सही बात है। अजमेर के रहने में जो अच्छा लगता होती है, हर घर में छुटपुट छुटपुट होती रहती, वो वहीं पे खत्म कर देने का, एक दूसरे को समझ लेने का खत्म कर देने का। बच्चों की गलतियां माँ बाप माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, सही बात है। हो या सास हो, एक दूसरे को समझदारी से लेके चले, बहुत अच्छी बात है। वाह क्या बात बोले हैं मम्मी ने, लेकिन सो यहाँ पे बन चुकी है हमारी, ओ हो क्रिस्पी क्रिस्पी ग्रीन ग्रीन भिंडी की भाजी, और है ये दाल फ्राई, और शानवाज ने भी कुछ लाया, क्या लाया शानवाज भाई? केकड़ा है, खाती है क्रैब्स? खाती हूँ मैं, क्यों नहीं खाती, नहीं खाती मैं सही में, मैं तो चिकन का सालन सोची थी, बताओ सही में केकड़ा है, डोंट टेल मी यार, चिकन को केकड़ा बोली तू, सही में केकड़े को केकड़ा दिखता है मन में, केकड़ी को केकड़ा दिखा, थोड़े दिनों के लिए ना शानवाज अपने बीच नजर नहीं आएंगे, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि उनके साथ अभी कुछ होने वाला है, धाप धूप धाप धूप धाप धूप। मम्मी लोग एकदम फास्ट फास्ट खाना बनाते हैं माशाल्लाह, कोई भी मम्मी हो किसी के भी मम्मी हो, मम्मी लोग फास्ट फास्ट बनाते हैं, एक जगह कढ़ाई पे तेल रख देंगे, फिर लोग प्याज लेंगे, हम लोग पूरी प्लेट में सब प्याज टमाटर सब लेके बैठेंगे, फिर गैस ऑन कर लेंगे, फिर बनाएंगे, मतलब बुढ़े हो गए सब कर करके। तो अभी हम लोग सीधा मिलेंगे जब मम्मी खाना भाभी को परोसेंगे, उन लोग साथ में बैठ के खाएंगे, तब आप लोगों से मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो आज लंच में क्या बनाए मम्मी? दाल चावल भिंडी हाँ, और रोटी है दही है। आज मोई नहीं तो इसका चेहरा देखो कितना उतर गया, एकदम अकेली अकेली थी ऊपर, तभी मैं बुला के लेकर बोली थोड़ा खा ले, बोलती भूख नहीं है, भूख नहीं, बोली थोड़ा खा ले, रोज मोइन के साथ खाती है ना, लेट भी होना तो बच्ची मेरी बड़ी होती है, सारे बोलती उसको थोड़ा खा ले, फिर बाद में साथ में खा लिया था, लेकिन अच्छा ऐसी प्यार बना रहे दोनों में। और कैसा लग रहा है आपको? देखने वाला क्या बोलेगा, अरे बाप रे क्या बहू है क्या सास है, ऐसे ही रहेंगे तो हमेशा इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा ना। कोई कोई क्या बोलता हूँ, नया नया है तो ऐसा बहू को खिला रहे, लेकिन नया नया हमेशा नया नया जैसा ही रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना। और आपको कैसा लग रहा है अम्मी के हाथ का खाना और अम्मी के हाथ से खाना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोनलीनेस थोड़ा फील नहीं हो रहा है ना, अभी हम लोग है ना, तो फिर होना नहीं चाहिए, लेकिन सोनू की याद में देखो अल्फिया का चेहरा कितना उतर गया है। सोनू आके देखेगा ना, ये बोलेगा अभी जिंदगी में कभी वाटर किंगडम नहीं जाऊंगा मैं। नहीं लेकिन मेरी भी शादी हुई थी ना, दो ही दिन मतलब हुआ था हम लोगों को, और सब गेस्ट थे घर में, गाँव में जो भी थे ना, तो वो लोगों को भी शानवाज लेके चले गए थे, और मैं भी घर में अकेली थी। नेक्स्ट टाइम वो लोग सब दोस्तों को भी बोलना अपनी अपनी वाइफ लोग को लेकर आओ, तो तू भी चली जाना। उसको लगा थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहेगा ना, उसको पूछा था मोइन, मना की थी। ये देखो राविया की क्लोजेट में से लेके मैंने अभी, और मम्मी यही दुपट्टा मांग रहे थे, तो भेज देती तो सेट खराब नहीं हो जाता था मेरा। सो ये रहा मेरा आज का ड्रेस, राविया तो नहीं इश्यू कर रही, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, कलर भी तो प्यारा है ना माशाल्लाह, कलर प्यारा लग रहा है तेरे पर, तो और अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। थैंक यू मामा, तुम ही नहीं खाए थे खाना? नहीं खाए थे, मैंने सो पिला लूं। अरे बाप रे, अरे उसी में मैं कंटिन्यू कर देती हूं। हां चलो अच्छा अच्छा, पहले बहू को खिलाया जा रहा है, फिर बाद में सास खा रही है, माशाल्लाह। प्यार जो है ना, प्यार वो पहले दो, और उम्मीद भी मत करो, खाली देते रहो, वो रिटर्न अपने आप आता है क्या नहीं? ये प्यार हमेशा कयामत तक बरकरार रहे, आमीन सुम्मा आमीन। बहने तो माशाल्लाह कभी लगा ही नहीं कि वो मतलब सोनू की बीवी है। अरे यहाँ पे सब ऐसे तो बहुत सारी चीजें है, बेटी है तो यहाँ क्या कर रही है, बेटा है तो बहन क्या कर रही है,
नहीं कुछ कुछ कमेंट भी अच्छे आते हैं कि मतलब हम लोग को अच्छा लगता है कि शादी के बाद आप लोग सब बहनें साथ में रहती है, अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जा एक कॉल कर दो इनको। अरे अभी पानी में फोन, अरे लॉकर में फोन रख के जाएगा, उसकी जाने तक मिस कॉल देखेगा, उसको ये रहेगा ना कि हाँ कॉल की। मैं तो सुना था गए तो मेरे को कोई कॉल ही नहीं किया, देख रहता ना पहुंचे क्या हुआ कितना एंजॉय किए जल्दी आओ।